देख रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के दो पार्ट हैं, एल्काइलेशन और एसिलेशन। तो दोनों समझिए, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हम देख रहे हैं बेंजीन की, तो बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं हम, ये बेंजीन है, इसकी रिएक्शन कर रहे हैं CH3Cl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं, बेंजीन रिएक्ट विथ मिथाइल क्लोराइड और क्लोरोमीथेन। देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिल है ये इसकी जगह ला करके जुड़ जाएगा, H प्लस को हटा करके खुद जुड़ जाएगा, Cl माइनस है तो यहां पर H प्लस होता ही है, तो H प्लस को हटा करके CH3+ वहां पर अटैच हो जाएगा। ये जो HCl है ये अलग हो जाता है, बाय प्रोडक्ट बना लेता है HCl, और CH3 यहां पर अटैच हो जाएगा। ये रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये बन गया टॉलीन, टॉलीन बन गया। तो ये है रिएक्शन एल्काइलेशन। अब हम देख रहे हैं एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन में हम क्या लेते हैं, अब सेकंड देख रहे हैं एसिटाइलेशन और एसिलेशन। इसमें बेंजीन की रिएक्शन करते हैं हम एसिटिल क्लोराइड के साथ, CH3COCl, ये है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं हम बेंजीन की। तो यहां पर भी ये जो पार्ट है ये इलेक्ट्रोफिल है, इस पे प्लस चार्ज रहता है और Cl पे माइनस चार्ज रहता है, तो सेम रिएक्शन होगी। इलेक्ट्रोफिल जो है वो यहां आ जाकर के जुड़ जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस रहेगी, इसमें भी बाय प्रोडक्ट HCl बन जाएगा, और जो CO ग्रुप है वहां से अटैच हो जाएगा ये बेंजीन रिंग पर, COCH3 प्लस HCl अलग हो गया है। इसका नाम होता है, अगर आप कॉमन नेम लिखेंगे तो मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, या फिर इसको एसिटोफिनोन भी बोलते हैं, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन।